TVS आई टच स्टार्ट सिस्टम और होंडा का ACG स्टार्टर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर दोनों सेम है, इसी चीज़ के रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। तो ACG स्टार्टर जो हम लोगों ने सबसे पहली बार सुना था होंडा का SP125 जब लॉन्च हुआ था BS6 में, उसी में हम लोगों ने इस चीज़ के रिलेटेड सुना था कि साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी होंडा ने इंक्लूड किया है इनकी एक्टिवा में, और जो अभी जितने भी लोअर सीसी की बाइक्स आ रहे हैं सब में होंडा ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन TVS की तरफ अगर देखें तो TVS का जो XL सीरीज़ है जो एक वेट कैरिंग मोटरसाइकिल है, तो उस मोटरसाइकिल का जो इंजन है जो 100cc का आता है उसमें भी ये चीज़ यूज़ किया जाता था। इसको कहते हैं TVS की तरफ से आई टच स्टार्ट सिस्टम, जिसमें क्या होता है सेम चीज़ होता है, साइलेंटली स्टार्ट होता है और ये जो मैकेनिज्म है जैसे दोनों वर्क करता है, ACG कह लीजिए आप या फिर जो आई टच स्टार्ट सिस्टम है दोनों सेम वे में काम करता है। नॉर्मली जो इंजन के अंदर जो स्टार्टर कॉयल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो मैग्नेट कॉयल यूज़ करते हैं हम, उसी को हम लोग एज ए स्टार्टर मोटर यूज़ करते हैं। क्योंकि नॉर्मल कॉयल में क्या होता है, अंदर कॉयल होता है और बाहर की तरफ मैग्नेट होता है। जब इंजन करंट प्रोड्यूस करता है उस टाइम पे क्या होता है, मैग्नेट घूमता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, मतलब इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी आपके कॉयल में। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजन को उस टाइम पे कॉयल में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बाहर से देते हैं बैटरी की मदद से, और इसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये जो मैग्नेट है वो घूमता है, जिससे क्या होता है मैग्नेट कनेक्टेड रहता है क्रैंकशाफ्ट से, क्रैंकशाफ्ट को घुमा देता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। तरीका बहुत ही सिंपल है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, वेट रिडक्शन होता है, जो नॉइस है वो कम आता है, और एक चीज़ इंजन बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली ये कनेक्टेड रहता है क्रैंकशाफ्ट से। नॉर्मली अगर स्टार्टर मोटर की बात करें, स्टार्टर मोटर के बाद गियर्स होते हैं, गियर्स के बाद स्टार्टर क्लच होता है, वन वे क्लच भी आप कह सकते हो, तो उससे ट्रांसमिशन का जो लॉसेस रहता है, ट्रांसमिशन में टाइम लगता है, पार्ट्स ज़्यादा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी जो न्यू लॉन्च किया है TVS जुपिटर ZX डिस्क वर्जन, जी हाँ डिस्क वेरिएंट लॉन्च हो चुका है TVS जुपिटर में। अभी आपको फ्रंट में डिस्क वेरिएंट दिखने को मिल जाएगा TVS की तरफ से जुपिटर सीरीज में, जुपिटर ZX सीरीज में, और इसके साथ इंक्लूड किया है आई टच स्टार्ट सिस्टम भी इसी इंजन के साथ, जहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा सेम साइलेंट स्टार्ट सिस्टम। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर बताना है, यही चीज़ था, यही डिफरेंस था जो आपको मैंने बताने के लिए ये वीडियो बनाया। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।